यहाँ नहीं है, सब प्लान है, मत जाइए आगे। बीच पीछे वार किया था ना आपने, हमें मारना चाहती थी ना, लेकिन देखो बंसी वाले ने हमें एक बार फिर बचा लिया। शायद आप भूल गए कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा हो गए, और हम तो आपको अपने साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि हमें लगा कि आप बदल गई होगी। गलत थे, गलत थे और भूल गए थे कि आप जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अब बदलना होगा आपको, आपके किए गए एक एक पाप की सजा मिलेगी, अब आपको देख लेना। आप पब्लिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से चलो रुक, देखेगा रेनू मम्मी, हुई क्या भरोसा कि हम जिंदा हैं? कौन भूत ना है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा सबूत है, जीता जागता सबूत, जो आप सबको जेल पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें देख के आपके चेहरे का रंग उड़ गया, हवाइयां उड़ने लगी है ना, बहुत भैया। अब आपको आपके कर्मों की सजा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम दिलाएंगे आपको आपके कर्मों की सजा। गलती आ गई हम थे पिछली बार, अब ना जो गलती करेंगे हम तो पर लोग भेज के रहेंगे। अरे अरे जी, बात खराब हो गया आपका, भेजा बतिया हट जा। अगर हम फंस गए तो भी ना बचोगे, खड़े हो।
भेद ने अच्छे से मुझे रेणुका जी का ये गेटअप समझाया कि मैं ऐसे तैयार हो सकी। आप बट आई थिंक इट्स टाइम आई शुड रिमूव दिस। रेणुका, रेणुका नहीं हो सकती आप। जब तक आप मीरा थी तब तक मैं आप में रेणुका ढूंढ रहा था, लेकिन आज जब आपने रेणुका बनने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि आपकी शक्ल सिर्फ रेणुका से मिलती है। आप मेरी रेणुका नहीं हो सकती। और वैसे भी आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भरत को मुझे दो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं चेंज करके आती हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। ये अच्छी बात है, राइट? अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती थी ये होना बहुत जरूरी था। आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान थी कि पता नहीं पापा इस दुनिया से बाहर आएंगे भी कि नहीं। बार बार ये सोच के डर लगता था कि कहीं से उनके दिमाग पे बुरा असर ना पड़ जाए। ये सोचती थी उन्हें कैसे समझाऊं कि माँ कभी लौट के नहीं आएंगी, पर आज आपकी वजह से, मीरा जी की वजह से पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो मैंने आपने इतना कुछ किया मेरे लिए तो वो मैंने थैंक यू बोलने के लिए। इट्स ओके, यू गाइस आर फ्रेंड्स, राइट? मैं कुछ कन्फेशन करना चाहता हूँ तुमसे। जी बोलिए। जब तुम्हें पहली बार देखा मैंने, तभी समझ गया था कि तुम सबसे अलग हो। जब काफी हद तक तुम्हें जान चुका हूं तो लगता है कि मैं गलत था। तुम सबसे अलग ही नहीं, तुम सबसे स्पेशल भी हो। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी। आई फील लकी कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी। बस एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज दिल्ली छोड़ के मत जाना। नहीं तो के हम चले जाएंगे विद मैनेज। थैंक यू पापा। दीजिए। इट्स ओके, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ऋत्विक, इट्स ओके। अरे दो ना प्लीज। आई एम सीरियस, इट्स ओके। अरे दो तो सही। अरे बस समा। अरे और इस बार प्यार में पड़े हैं एक अमीर बिजनेसमैन ईओएस के सीईओ ऋतिक परमार, जिन्हें लगातार आगरा से कुछ ही दिन पहले आई नव्या तिवारी के साथ देखा जा रहा है। क्या है ये? देखना ये है कि ये नव्या तिवारी सिर्फ पैसों के लिए ऋतिक की लाइफ में आई है या फिर कहानी कुछ और ही है। पापा ये कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी चाहते हैं इन लोगों ने। देखो नव्या, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन सचमुच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप जानते हैं। अगर होता सबसे पहले आपको बता। कुछ मत कहो, बस एक बात ध्यान में रखो कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो तुम। और एक बात बताऊं कि अगर ये हो भी जाए तो इसमें बुराई क्या? पापा, आप ये क्या? ठीक कह रहा, क्या बुराई है? टेल मी ऋत्विक, व्हाट इज दिस? हाँ ऋत्विक, तुम और वो मिडिल क्लास लड़की, ये मीडिया वाले क्या कह रहे हैं? ऋत्विक, तुमने तो हमारे परिवार का नाम ही खराब कर दिया। बोलोगी अब मीरा कुछ? पापा फिर सामान वापस रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आगरा जाने का जो फैसला था तो मैंने जल्दबाजी में ले लिया। दिल्ली अच्छा शहर है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। और वैसे भी रेणुका के बिना वो घर घर कहाँ है? तुमने इतनी मेहनत से यहाँ पर काम जमाया, ऐसे थोड़ा ना चले जाएंगे। पापा कहना क्या चाह रहे हैं आप? नव्या, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले एक महीने में मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। रेनु भी देख रही होगी तो वो भी नाराज ही होगी मुझसे। उसे भी लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारी तो फिक्र ही नहीं की, उसके ऊपर अपनी और भरत की जिम्मेदारी भी तुम पर डालती। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है कि ऋत्विक अच्छा लड़का है, तुम्हारी फिक्र करता है, और मैंने ना उसकी आंखों में एक ईमानदारी देखी है। सच
तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा रेणुका। जो सपना तुमने और मैंने देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जानती हो ना भैया, रेणु और मैंने एक सपना देखा था कि जब भी तुम्हारा आदि से तलाक होगा तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। मुझे लगता है कि वो सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं? जानते हैं मेरे साथ पास में क्या हुआ है? पहले बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत हिम्मत नहीं है मुझ में शादी करने की। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, भरत को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बनाना और भरत और आपका ख्याल रखना बस। कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको आपकी बेटी बोझ लगने लग गई है? पीछा छुड़ाना चाहते हैं मुझसे, पर आप भी सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मॉम, मुझे शादी में ना अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिस दिन होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ओके परफेक्ट। सुनो, डोंट वरी यार मॉम, आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आने दूंगा। ओके, जब भी कोई मुझे लड़की पसंद आएगी सबसे पहले आके आपको बताऊंगा, नहीं करूंगा आपकी मर्जी के बिना शादी। कूल, बाय। मीरा, ऋत्विक के पास तो फिर भी टाइम है, पर तुम्हारी उम्र बीत रही है, क्या तुम इस जन्म में शादी करोगी? दी, आज क्या एक साथ सबकी क्लास लगाने के बारे में सोचा है? आई मीन टू से कि मैं खुश हूं अपने एनजीओ में। तुम खुश हो, हमारी खुशी के बारे में सोचा है तुमने? मैंने एक लड़का देखा है, मैं पूछ नहीं रही, तुमसे बोल रही हूं, कल जाके उससे मिल लेना, ठीक है? पता नहीं क्या होता है। आ तो जूस पी, देखा तुमने उसे? ये वही है जिसका आर्टिकल आया था। बहुत चलाक होती मिडिल क्लास घर की लड़कियां, अमीर घर का लड़का देखा नहीं कि फंसाए अपनी छिपड़ी छुपड़ी बातों में। सही बोल रही है तू, मैंने तो वो लड़के को इसके स्टॉल पे भी देखा था। अब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इसके स्टॉल पे काम करेगा तो कुछ तो कारण होगा ही ना। कारण? मुझे चक्कर ही लगता है, इसकी बातों में आकर ही उसने अपना स्टॉल भी यहाँ से हटा लिया। क्या बोल सकते हो? कल ही गॉसिप कर रही थी, आप प्लीज यहाँ से जाएंगे ताकि मैं अपना काम कर सकूं। लीव, लेट्स गो। ओह माय गॉड, इस लड़की के चक्कर में ऋत्विक ने अपना स्टॉल हटा लिया यहाँ से। उसका गुस्सा उतारने आई है मुझ पे, आई एम श्योर। जूस? नहीं। तो देखिए, मैं जानती हूँ आप उस आर्टिकल के बारे में मुझसे बात करने आई हैं, पर आपको मैं बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसी नॉनसेंस न्यूज की हमें आदत है। मीडिया वालों की इसी से रोजी रोटी चलती है। एक अमीर लड़का और एक मिडिल क्लास लड़की, दोनों को साथ में क्या देख लिया, बस मिल गई हेडलाइन। बट यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। हमारे घर लंच पे क्यों नहीं आती? अपने पापा जी और उस बच्चे को भी साथ में लेके आना। वैसे भी एक सीक्रेट इमेज को कॉमन करने का यही तरीका है। तुम दोनों की अफेयर वाली न्यूज को भी नॉर्मल करने का यही तरीका सही है। तुम दोनों घर पे फैमिली के साथ मिलोगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। What do you think? अब मैं ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। तो बोल दिया मैंने, पर वहां तो मीरा जी भी होंगी। मैं वो पापा मान जाए जाने के लिए। एक भी ढंग के कपड़े नहीं है मेरे पास। ये कुछ ठीक लग रहा है। क्या बात है, कितने दिनों बाद नव्या इतनी खुश लग रही है। उसकी ये खुशी देखकर जाना तो पड़ेगा देविका पर। बच्चों का काम है गलतियां करना और बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। देखिए ना, अब मेरी बेटी ने भी तो आपके बेटे के साथ गलती की, पर मैंने तो उसे माफ कर दिया ना। हमें अपने बच्चों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। हमने इसे एक नहीं हजारों मौके दिए हैं सुधरने के, मैंने, मेरी बीवी ने, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पैसों की चमक ने इन दोनों को अंधा बना दिया है। सॉरी टू से मिस्टर मुकुंद तिवारी, आप सा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, एक मिनट, आप होती कौन है मेरे पापा से ऐसे बात करने वाली? क्या जानती है आप हमारे बारे में? हमारे परिवार ने पिछले कुछ महीनों में क्या झेला है आपको क्या पता? पापा चलिए यहाँ से, पल नहीं रहना हमें यहाँ। चलो नव्या, तुम भी वही गलती कर रही हो जो तुम्हारे पापा जी ने की है। मुकुंद जी, कम से कम एक बार आप नव्या के बारे में तो सोचिए। कितनी छोटी उम्र है, क्या होगा इस बेचारी का, कभी सोचा आपने? अक्की ने मुझे सब कुछ बता दिया, सारे फसाद की जड़ वो 5 करोड़ रुपए है। आज ही मैं इस फसाद को खत्म कर दूंगी। मैं आज और अभी आदि को 5 करोड़ रुपए दे दूंगी। आदित्य, आज सारे गिले शिकवे मिटा दो। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। कर्जदार हूं मैं तुम्हारे। आई थिंक तुम्हें नव्या को वरमाला पहना के एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और फिर से उसे अपनी पत्नी बना लेना चाहिए। उठाओ ना बेटा। ये लो, I'm gonna make you mine.
एक मौका क्या तमाशा लगा रखा है ये? आपको किसने हाथ दिया नव्या की शादी करवाने का? बोलिए, होती कौन है आप? और तुम नव्या की जिंदगी में वापस आने के बारे में सोचना ही मत, समझे तुम? बड़ी दी, क्या हो गया है आपको? क्यों कर रही है ये सब? आप जानती नहीं इन लोगों को, ये बहुत ही घिरे हुए और घटिया लोग हैं। तुम मुझे भी गलत समझती हो मीरा, तुम ऐसे कह कैसे सकती हो? बल्कि मैं तो एक फैमिली को सफर करने से बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा बेटा और मेरी बेटी ने सफर किया है, ये बच्चा भी ऐसे सफर करे। What's wrong with you, mom? एक क्रिमिनल के साथ आप नव्या की शादी कराना चाहती हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं और नव्या एक दूसरे से मुझे किसी की जरूरत नहीं, और आपको मेरे परिवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेली काफी हूं, अपने भरत के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी।